To want me, you gotta know me. If you love me, you gotta show me. Let you know, let you know. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति सुपर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो हरियाली तीज मेकअप, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरी रेडी हूँ। तो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है तीज के लिए। जैसे कि तीज को सभी लेडीज फास्ट रखती हैं और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए इस फास्ट को रखा जाता है, तो यहाँ पे मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस मेकअप को कैसे क्रिएट किया है तो मेरे इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हम मेरे इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं फेशियल ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी तो उसका मेरे स्किन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी और यहाँ मैंने फेशियल ऑयल लगाया है गुड वाइब्स का। और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर से हमारे जो फेस है और जो फाउंडेशन है वो अच्छे से और सेट होता है, मेकअप सेट होता है और जो फाइन लाइन्स हैं वो भी कम होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा लिया है अपने फेस पर पूरे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। प्राइमर के बाद फाउंडेशन मैं लगाऊंगी, ये है मेरे पास मेबेलिन का। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैप टैप करके अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है। और फाउंडेशन को मैं नेक एरिया में भी ज़रूर लगाऊंगी, अच्छे से इसको नेक एरिया में भी पूरा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपका जो फेस है और नेक है वो अलग अलग ना दिखे, स्किन सेम दिखे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे सेट कर लूँगी फाउंडेशन को। ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी स्किन को सूट करता है, मेरे फेस को सूट करता है, मेरे जो फेस कलर है उसको सूट करता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। ये मेरे पास ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल है, ब्लैक कलर का मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे आर्टिफिशियल लगती हैं आईब्रोज। तो यहाँ पर उसके बाद मैं ब्लीच इसको सेट कर लूँगी ताकि जो मेरी आईब्रोज हैं वो इवन लगें। इसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जो भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या थोड़ा बहुत जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने के लिए यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही मेरे फेस पे ऐसा कोई डार्क सर्कल्स या ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, बट फिर भी कंसीलर से और जो आपका मेकअप लुक है वो और अच्छा आता है, एकदम क्लीन आता है। और तो यहाँ पर मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी पूरा सेट कर लूँगी कंसीलर को। इसके बाद यहाँ पे मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो साड़ी का कलर है वो ब्लू कलर है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का आई शेडो यूज़ किया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का आई शेडो। मैं ब्लू कलर के आई शेडो के ऊपर ही सिल्वर कलर का आई शेडो थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, बिकॉज जो मेरी साड़ी है उसमें सिल्वर कलर में काम हो रखा है, पूरा सिल्वर कलर से मेरी साड़ी भरी हुई है, बहुत काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ब्लाउज में भी डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी। इसके बाद अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं अब कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कंटूरिंग करूँगी फेस की और अच्छा शेप देने के लिए, और ताकि जो फेस है आपका और अच्छा मेकअप दिखे और शेप अच्छी लगे आपके फेस की। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंटूरिंग कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट दिखाया है बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा दिखाती तो उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो यहाँ पे मैंने वीडियो को शॉर्ट करके दिखाया है। यहाँ पे मैं ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर में, पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है तो मैं मोस्टली पिंक कलर का ब्लशर यूज़ करूँ। यहाँ पर मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ, ये हाईलाइटर मैं यहाँ पर अपनी चीक बोन्स पर और अपर आईब्रोज़ पे लगाऊंगी पूरा, और इसको मैं फिंगर से ही स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ, फिंगर से ही अच्छे स्प्रेड हो जाता है बजाय कि ब्रश के। अब यहाँ पे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी लिप बाम की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। यहाँ पे मैं लिपस्टिक भी लाइट ही लगाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी या डार्क लिपस्टिक मैं नहीं लगाऊँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजल और लगा रही हूँ क्योंकि मुझे काजल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो क्योंकि आईज़ जो है थोड़ा सुंदर दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया है, यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ, हैवी बिंदी लगा रही हूँ मैं क्योंकि साड़ी मेरी बहुत हैवी है, तो उसके साथ के लिए मैंने हैवी बिंदी लगाई है। और यहाँ पर मैंने बैंगल्स पहन ली हैं, तो ये है मेरा फाइनल लुक।